दोस्तों, वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच में दो खतरनाक खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई है। दोनों खिलाड़ी अपने अपने जोनर में काफी मजबूत हैं। दोस्तों, अगर आप भी उन खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आज इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। ये दूसरा T20 मैच बेहद ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इसमें दो ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है जो मैच को बेहद ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दोस्तों, पहला मैच तो टीम इंडिया ने काफी अच्छे से खेला। उस मैच को टीम इंडिया ने पूरे 68 रनों से जीता। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने अपना कारनामा अच्छे से दिखाया। दोस्तों, इसी मैच में दिनेश कार्तिक की भी काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, जिन्होंने टीम इंडिया को अच्छे स्कोर तक पहुँचाया। दोस्तों, आज का मैच भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के मैच में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है। आज टीम इंडिया अपने टीम में शायद बदलाव कर सकती है। दोस्तों, जिन दो खिलाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन दोनों प्लेयर्स ने पहले टीम इंडिया के लिए काफी कुछ कर रखा है। वो दोनों प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसन और ईशान किशन हैं। दोस्तों, आज इन दो प्लेयर्स को इस दूसरे T20 मैच में मौका मिल सकता है। श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव के खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम इंडिया इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है। दोस्तों, आज के मैच में गेंदबाजी में भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस वेस्ट इंडीज दौरे पर दो और महान खिलाड़ी नहीं शामिल हुए हैं, वो है KL राहुल और विराट कोहली। दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी अब सीधे एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे। बात रही वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे T20 मैच की, तो ईशान किशन और संजू सैमसन की टीम में वापसी हो सकती है।